Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. उत्तर पूर्वी दिल्ली से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अपना रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है कन्हैया कुमार आपको नजर आएंगे, साथ ही साथ बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के झंडे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखा दें कि इस तरीके से कन्हैया कुमार ई रिक्शा में सवार होकर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए फाइल करने के बाद अपना रोड शो करने निकले हैं। यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस के जो चीफ है देवेंद्र यादव और पूर्व चीफ अनिल चौधरी उनका स्वागत जो है वो करते हुए फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर कन्हैया कुमार और उनका स्वागत यहाँ पर करते हुए देवेंद्र यादव जो है वो नजर आ रहे हैं। उनके साथ ई रिक्शा में इस वक्त फिलहाल जो है वो देवेंद्र यादव जो है वो खुद मौजूद हैं और ये लंबा रोड शो जो है वो फिलहाल दोनों ही गठबंधन जो साथी हैं वो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर बड़ा ही तगड़ा मुकाबला जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जो कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। और इसके बाद तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। अलग अलग तरीके के नारे जो है वो फिलहाल यहाँ पर लगाते हुए लोग जो है वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। 4% शगुन के